Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Civil Point Institute Indoor. स्वागत है आप सभी का. जैसा कि हमारा ईएसबी की तरफ से आगामी एग्जामिनेशंस के लिए कैलेंडर्स आउट हो चुका है, जिसमें हमारा एक वैकेंसी है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स को लेकर. सो हम उसी से रिलेटेड आज आपको सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं. सो हम स्पेसिफिकली आपके लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को डील करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका सितंबर में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स का वैकेंसी अनाउंस होने वाला है, जिसमें अप्रॉक्स 500 वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटीज हैं. ओके, उसमें कुछ मोस्ट प्रोबेबली वैकेंसीज इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स की होती हैं. सो देखिएगा, आज हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को लेकर हम सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं. सो आपका ऑफिशियली सिलेबस जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जैसा कि आप लोगों को सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर, जस्ट वेट, देखिएगा स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा. ये आपका ईएसबी की तरफ से एक ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया गया था, जिसमें आपके जो डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम इंजीनियरिंग डिप्लोमा और आईटीआई में पढ़ते हैं, उसका एक मिक्सअप है. ठीक है, तो आपको इसको स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स को अलग अलग क्लासिफाई करके आपको पढ़ना होगा. जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि आपको ये होल सिलेबस इतना पूरा दिख रहा है. ठीक है, वन सेकेंड, इसमें आपका सारा सब्जेक्ट है. दैट मीन्स आपको इसमें, जैसा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, चाहे आपने आईटीआई किया हो, चाहे आप डिप्लोमा या डिग्री से हों, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किसी भी तरीके की आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है, तो आपको पता होगा कि इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसका बेसिक हमें आईटीआई में पढ़ना होता है. ठीक है, सो देखिए आपका जो सिलेबस है उसको हमने एक सब क्लासीफाई करा है, जो कि आपका आईटीआई का ही सिलेबस है. उस सिलेबस, ये जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को हमने एक टॉपिक वाइज क्लासिफाई किया है, जो कि आपका आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स में जब आप पढ़ते हैं 2 साल, आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, तो उसी सेमेस्टर में जो आपको सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं को टॉपिक वाइज हम पढ़ने वाले हैं. सो देखिएगा, पहले तो आप ये सिलेबस देखिए जो ऑफिशियली दे रखा है. ये आपका एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स का मिक्स्ड आपको सिलेबस बना रखा, उसी को हम देखिए. जैसे हम आपको बताएं कि इसमें टोटल आपको टॉपिक दे रखे हैं इन्होंने, कितने टॉपिक्स दिए हैं वो देखिए आप. सबसे पहले 30 इन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं, जिसमें हम आपको बताएं इसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कहा जाए पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मर्ज करके आपको टॉपिक्स बताए हैं. तो देखिएगा, हम सिलेबस डिस्कशन करते हैं. जो आप 2 साल आईटीआई में पढ़ते हैं उसी हम सिलेबस को आज थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, बेटा सेकेंड, ये देखिए सबसे पहले आपको टॉपिक दिया है, ये आपका सेमेस्टर फर्स्ट में आपका ये टॉपिक रहता है. ठीक है, वेट, देखिएगा ये आपका सेमेस्टर फर्स्ट का इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस है, जिसमें आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ ट्रेड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा. ट्रेड थ्योरी मतलब आपका जो स्पेसिफिकली फिटर या फिर आपका कोपा या किसी भी, जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं, उसकी थ्योरी आपको यहाँ पढ़नी होती है. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आपका जो चैप्टर है आपका, उसमें क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, बेसिक सेफ्टी इंट्रोडक्शन. दैट मीन्स आप जो भी वर्क करते हैं उसमें आप लोगों को कैसे सेफ्टी यूज करनी है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करने हैं, किस तरीके से आपको अपने आपको सेफ, मतलब आपको अपने आपको पहले कहना चाहिए कि आपको वर्क ऐसा करना है कि आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और उस वर्क पे कोई इफेक्ट ना हो और आप पे भी कोई इफेक्ट ना हो. दैट मीन्स हम सेफ्टी पर्पज से हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं. किसको पढ़ते हैं हम, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को. ठीक है, इसमें आपको
अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंशियल केस हो जाता है तो आपको अपने आप को किस तरह तरीके से बचाना है, हम कौन कौन से रूल यूज करेंगे उसमें, फर्स्ट एड हम कैसे क्या लेंगे, उसके बाद आपको इसमें बहुत सारी बेसिक नॉलेज दिया जाता है, आप कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं सेफ्टी के लिए, उसके अलावा आपको इसमें ये सब चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। दैट मीन्स इमरजेंसी से लेकर आपको अपनी सेफ्टी कैसे क्या करनी है, ये सब चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। उसके बाद सेकंड देखिएगा टूल्स एंड स्पेसिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हम यूज करते हैं जब आप प्रैक्टिकली किसी फील्ड में जाते हैं या फिर आप ITI या पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी आप प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहाँ जो टूल्स आपको दिए जाते हैं उनकी हमको स्पेसिफिकली जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लकड़ी काटने के लिए या फिर जो औजारों के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। फिर थर्ड देखिएगा आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो नींव है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इसमें आपको एटम न्यूक्लियस कहना चाहिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एटम्स, उसके अलावा आपको हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स आपका करंट रजिस्टेंस पोटेंशियल, समझ रहे हैं आप, आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें हम रजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ मेंशन की हुई है। सो देखिएगा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स फंडामेंटल टर्म्स मतलब छोटी छोटी जो डेफिनेशंस होती हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, ओके, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखनी होती है। उसके बाद देखिएगा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये सब चीजें पढ़नी है कि करंट का क्या इफेक्ट होता है, इसमें इसकी जो यूनिट्स हैं, समझ रहे हैं आप, जैसे आपको सबसे पहले चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, करंट के बारे में पता होना चाहिए, वोल्टेज के बारे में पता होना चाहिए, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस EMF, ये सारी डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा ये जो सोल्डर फ्लक्स, हम जो सोल्डरिंग यूज करते हैं रजिस्टर्स, आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझ रहे हैं आप। टाइप्स ऑफ रजिस्टर, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर आपको पढ़ना होती है, ये देखिए रजिस्टर से आपको क्वेश्चन, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे ट्रेनिंग ऑफिसर्स के, तो आपको दो या तीन क्वेश्चन आपको कहाँ से मिले होंगे, कलर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कोडिंग, जो हम रजिस्टर्स की कोडिंग करते हैं ना, उसी से आपको क्वेश्चंस मिले होंगे, बहुत बेसिक बेसिक टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, बट आपको जब नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे बना पाएंगे। उसके बाद देखिएगा आपको यहाँ इन्होंने क्या दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, आपकी आपके जो रूल्स होते हैं आपने पढ़े होंगे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में, वो चीजें आपको पढ़नी है। उसके अलावा देखिए क्या लिखा है, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स इंसुलेटर्स सेमीकंडक्टर्स पोटेंशियल ग्रेडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर्स, आपने जब या तो आपने डिप्लोमा में पढ़ा होगा या फिर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब पावर सिस्टम पढ़ा होगा तो वहाँ हम इंसुलेटर की बात करते हैं, बट हम वहाँ बहुत डीप में जाते हैं, लेकिन हमें उतना डीप में यहाँ जाना नहीं होता है, हमें बहुत बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंसुलेटर का, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर, जो हम YAEBFSC जो क्लासेस पढ़ते हैं, उसके अलावा देखिए टाइप्स ऑफ वायर्स केबल्स स्टैंडर्ड वायर गेज स्पेसिफिकेशंस ऑफ वायर, कहने का मतलब है कि आपको कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का A to Z नॉलेज होना चाहिए, ये बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टर्म्स में हम बोलें तो, ठीक है। सो आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा ये ओम्स लॉ दिया है इन्होंने, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड प्रॉब्लम्स, KVL KCL यहाँ लगाते हैं हम लोग, या फिर हम जो नॉर्मल सर्किट थ्योरी के जो क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमें करंट रेजिस्टेंस वोल्टेज फाइंड करना होता है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ देखनी होगी, ठीक है। उसके बाद हमें रजिस्टर्स के बारे में पढ़ना होगा, लॉ ऑफ रजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस KCL KVL रूल्स यहाँ पढ़ने, व्हीटस्टोन ब्रिज का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा यहाँ, वो भी हमें पढ़ना है। उसके अलावा देखिएगा इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टेंस, दैट
टेम्परेचर का कैसा इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हम रेजिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट पढ़ते हैं, आपने मेजरमेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में, तो आपको पता होगा कि हम वहाँ लो रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज करते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज करते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ भी हमको पढ़नी है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, सिलेबस देख के आपको समझ आ रहा है कि आपको सबसे पहले तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स आपका बी डबल ई, आपको मेजरमेंट भी पढ़ना है। उसके अलावा देखिए आपको पावर सिस्टम के भी सारे टॉपिक्स यहाँ दिए हुए हैं। देखिए 8 नंबर पे क्या दिया है, कॉमन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज देयर स्पेसिफिकेशन इन लाइन विथ एनईसी, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्विचेस लैंप होल्डर्स प्लग्स एंड सॉकेट्स, डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक सर्किट्स, अलार्म स्विचेस, इंडिविजुअल स्विचेस, टू वे स्विच सिक्योरिटी, फायर अलार्म, एमसीबी, ईएलसीबी और एमसीबी। आपको सर्किट ब्रेकर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको स्विचेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि हमारा जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स का जो एग्जाम होना है उसमें प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा मांगा जाता है, इसीलिए आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अगर आपको वायरिंग से क्वेश्चन आ जाए या फिर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछें तो आपको बनना चाहिए, क्योंकि आईडीआई में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको थ्योरी से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ दिया जाता है, ठीक है। तो आपको 8 नंबर पे क्या है, आपको कॉमन एसेसरीज के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको प्रेस के, केटली के और भी बहुत सारे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। 9 नंबर पे देखिएगा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ यहाँ हमें पढ़ना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा देखिएगा हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल पढ़ना है, केमिकल इक्विवेलेंट आपने पढ़ा होगा जब आप 12th करते हैं, तो आपको बैटरीज का या फिर आपको फैराडेज लॉ आपने पढ़ रखा होगा, तो ये वही पूरा यहाँ चैप्टर हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा हमें सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। ये देखिए जितनी भी हमारी बैटरीज होती हैं लाइक सोलर बैटरीज, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल के आपको पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशंस पता होने चाहिए। ये सिर्फ आपको एक एनालिसिस किया जा रहा है सिलेबस का, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, ओके। फिर नेक्स्ट देखिएगा एलाइड ट्रेड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फिटिंग ट्रेड, कुछ आपको मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें दे रखे हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे हैमर्स, चीजर्स, हैक्सॉ, ब्लेड्स एंड देयर स्पेसिफिकेशन ग्रेड्स। ये आपका पूरा थोड़ा सा आपका जो फिटिंग ट्रेड होता है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं या फिर जो आप औजार यूज करते हैं, टूल्स यूज करते हैं, उसके बारे में ये दे रखा है। उसके बाद 14 नंबर पे देखिएगा टाइप्स ऑफ ड्रिल्स, ये ड्रिलिंग मशीन्स के बारे में आपसे पूछ रहा है। उसके बाद वही हमने बताया ना, थोड़ा सा फिटर का इसमें इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मेन चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैकेनिज्म, इसमें आपने क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स आपको पढ़ना होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपने मतलब मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ा होगा ना, मैग्नेटिक सर्किट, उसमें जो हमारा स्पेसिफिकली जो हमारा डेफिनेशंस होता है वो सब चीज़ें हमको यहाँ पढ़नी होगी, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, आपको करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए, ईएमएफ, फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी, रिलक्टेंस, बीएच कर्व, हिस्ट्रेसिस लूप, एडी करंट, हिस्ट्रेसिस लॉस, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों ने डिप्लोमा या फिर आपने डिग्री में अगर आपने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा होगा तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है, समझ रहे हैं आप। हमने मैग्नेटिक सर्किट जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग जो बेसिक्स होता है वो मैग्नेटिज्म से ही स्टार्ट होता है, जिसमें हम आपको सारी स्टार्टिंग डेफिनेशंस पढ़ाते हैं लाइक टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, एमएमएफ,
बीएच कर्व, हिस्टेरेसिस लूप, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, तो आपको यही मैग्नेटिक सर्किट यहाँ पढ़ना है। नेक्स्ट देखिएगा आपको अल्टरनेटिंग करंट, दैट मीन्स आपको एसी डीसी करंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पिक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, एवरेज वैल्यू, उसके अलावा आपको कैपेसिटिव रजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट का एनालिसिस आपको आना चाहिए, इम्पीडेंस, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। जब आप पेपर उठाएंगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे, जैसे कि आपके पावर फैक्टर आपको पता होना चाहिए, एसी सर्किट्स पे आपको न्यूमेरिकल बनना ही चाहिए, ठीक है। देख रहे हैं आप, आई होप आपको समझ आ रही होगी हमारी बात। सो देखिएगा क्या बता रहे थे हम आपको, अल्टरनेटिंग करंट में आपको एसी डीसी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पिक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, साइन वेव के बारे में पता होना चाहिए, उसके अलावा इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए, स्टार डेल्टा कनेक्शन आपको पता होना चाहिए, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड लोड और सर्किट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका है अर्थिंग, ये पूरा आपका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का चैप्टर होता है, जिसमें हम अर्थिंग आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम अर्थिंग के लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं, लाइक पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, हमें इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग पढ़नी है, अर्थिंग क्यों करते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए, उसके अलावा हमें अर्थ रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज करने हैं, वो चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। कुल मिलाकर हमें अर्थिंग का चैप्टर पढ़ना है। उसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट आपका है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सबसे पहले आपका सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी लेवल होता है वो पता होना चाहिए, आपको पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पता होने चाहिए, उसके अलावा डायोड्स, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, हीट सिंक के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको रेक्टिफायर एम्पलीफायर के बारे में, पेसिव सर्किट, फिल्टर्स, समझ रहे हैं आप। कुल मिलाकर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से सेमीकंडक्टर फिजिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद डायोड्स प्लस रेक्टिफायर वाला हमारा टॉपिक हमें यहाँ पढ़ना होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अभी हम आपको बहुत फुली डिटेल्ड में नहीं बता रहे हैं, जब हम आपको स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स तो आपको बहुत ए टू जेड यहाँ से सारे टॉपिक्स कवर अप किए जाएंगे, ओके। अभी सिर्फ हम एक सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए सिलेबस का, कि हमें पढ़ना क्या है और हम कहाँ से क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा आपका ये वही आपका सिलेबस है जो आपको आईटीआई में पढ़ाया जाता है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में देखिएगा, अब थोड़ा सा हम फास्टली करते हैं। देखिए इसमें आपको ऑसिलोस्कोप, ट्रांजिस्टर, ये वही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है, जिसमें हम आपको ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, पावर एम्पलीफायर, ये पूरा आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आता है। यहाँ इन्होंने पूरा टॉपिक वाइज क्लासीफाई कर दिया है, ये देखिए यूजेटी, एफईटी, ये सारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पढ़ाया जाएगा आपको। एससीआर आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, मॉसफेट, जीटीओ, गेट टर्न ऑफ, मॉसफेट, ट्रायक, डायक, ये सब चीजें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई जाती है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक वायरिंग, आपका आई रूल्स, वायरिंग के बारे में पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ वायरिंग के बारे में पता होना चाहिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वायरिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग, कुल मिलाकर आपको वायरिंग ए टू जेड पता होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा पावर सिस्टम में हम प्रोटेक्शन में हम कुछ पढ़ते हैं टॉपिक्स जो कि यहाँ दे रखे हैं, फ्यूज, रिले, सर्किट ब्रेकर, ओके। तो सारे हमको आपका जो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो हमें यहाँ पढ़ने हैं, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्टडी ऑफ फ्यूजेस, रिलेस, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, दैट मीन्स एमसीबी, ईएलसीबी, ईटीसी। उसके बाद देखिए मशीन वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब हम आपको बहुत शॉर्ट वे में बताते हैं कि डीसी मशीन आपको यहाँ पूरी पूरी पढ़नी है, डीसी मशीन के एक एक टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिसमें आप चाहे कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, प्रिंसिपल बोल लीजिए, आर्मेचर, फील्ड कॉइल, पोलिटिक कंस्ट्रक्शन, उसका जो भी क्लासिफिकेशन है, उसके अलावा हमें मतलब आपको डीसी मशीन पूरा एज ए टू जेड पढ़ना है, ओके। आर्मेचर रिएक्शन, इंटरपोल, उसके अलावा आप लॉसेस, एफिशिएंसी, उसके एप्लीकेशन, उसके टेस्ट,
ठीक है, तो आपको डीसी मशीन यहाँ पूरा पढ़ना है। उसके बाद देखिए इसमें डीसी मशीन में आपका डीसी जनरेटर प्लस डीसी मोटर दोनों पार्ट आ जाएगा, जिसमें आप इसमें टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल मतलब सारा कंट्रोल्स भी पढ़ेंगे आप। उसके अलावा उसके लॉसेस, इफिशंसी, एप्लीकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके न्यूमेरिकल्स, उसके टेस्ट, टॉर्क, बैक ईएमएफ और जो भी है आपका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, सारा आपको डीसी मशीन्स में पढ़ना होता है। डीसी मशीन्स में एक तो आपको डीसी जनरेटर पढ़ना होगा और डीसी मोटर पढ़ना होता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा ये डीसी मोटर, ये देखिए यहाँ इन्होंने अलग अलग बताया है, तो हमने आपको एक शॉर्ट पे में बता दिया कि डीसी मशीन में जनरेटर मोटर दोनों आपको पढ़ना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा ये पूरा आपको ये यहां से लेकर यहां तक आपका पूरा डीसी मोटर है। फिर ये देखिए ट्रांसफॉर्मर, नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, जिसमें आपको सारा डेफिनेशन से लेकर बेसिक प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन, या फिर आप बोल लीजिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर, कंस्ट्रक्शन, ये देखिए सिंगल फेज, पॉली फेज, ईएमएफ इक्वेशन, पैरेलल ऑपरेशन, रेगुलेशन, इफिशंसी, कूलिंग, प्रोटेक्टिव डिवाइस, कुल मिलाकर आपको ट्रांसफॉर्मर का ए टू जेड नॉलेज होना ही चाहिए, चाहे वो क्लासिफिकेशन से हो, चाहे वो प्रिंसिपल से हो, चाहे वो उसके कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट से हो, चाहे वो उसके टेस्टिंग से हो, चाहे अदर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हो, ट्रांसफॉर्मर ऑयल हो, ठीक है। सो आपको पूरा ट्रांसफॉर्मर अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कुछ पार्ट हमें पढ़ना है, देखिए जिसमें आपको इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, जिसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, टेम्पिंग टॉर्क आपको पता होना चाहिए, परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम पीएमएमसी बोलते हैं, एनर्जी मीटर, मीटर, वोल्ट मीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, मल्टीमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, वॉट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, एनर्जी मीटर, इन सब के बारे में आपको कुल मिलाकर आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में आपको यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है, समझ आ रही है आपको बात। तो हमारे मशीन, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, उसके बाद मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बी डबल ई, ये सारी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ कवरअप करवाए जाएंगे। उसके बाद देखिएगा ये वही एसी मशीन्स आ गया है, मशीन्स का एक अनादर टॉपिक वापस से एसी मशीन, जिसमें हम सिंगल फेज एसी मशीन, सॉरी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं, अल्टरनेटर पढ़ते हैं, सिंक्रोनस मोटर पढ़ते हैं। उसके अलावा देखिएगा इसमें हम रोटेटरी कन्वर्टर पढ़ेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स हमको पढ़ने होते हैं, जैसे एम जी सेट बोल दीजिए आप, मेंटेनेंस हम पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट कंट्रोलर यहाँ पढ़ेंगे। उसके अलावा हमें एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है जो कि वाइंडिंग से होता है, जिसमें एसी टाइप की वाइंडिंग होती है, डीसी मशीन की वाइंडिंग होती है, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग होती है, हमें पढ़नी होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा आपने यू डबल ई टी का एक चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें को हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से यूनिट से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जिसमें हमको लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ना होता है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है डेफिनेशन से वो हमें पढ़नी है, जैसे इल्यूमिनेशन फैक्टर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट। उसके अलावा हमें यहाँ सोडियम वेपर लैम्प पढ़ना होता है, मरकरी वेपर लैम्प पढ़ना होता है, हेलोजन नियॉन लैम्प पढ़ने होते हैं, ठीक है, एलईडी एलसीडी के बारे में हमें यहाँ पढ़ना होता है, और कुछ फॉर्मूला बेस्ड यहाँ हमें क्या करना रहता है, कैलकुलेशंस करनी होती है, ओके। इसमें कुछ डेफिनेशंस है, कुछ यूनिट्स हैं जिसमें आपको टॉपिक्स हमेशा पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा बेटा सेकेंड, देखिए इंडस्ट्रियल वायरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है वो है इंडस्ट्रियल वायरिंग, ठीक है। इंडस्ट्रियल वायरिंग में आपको आईएसएस कोड पता होने चाहिए, जैसे कि इसमें दे रखे हैं आपको इंडस्ट्रियल वायरिंग कोड ऑफ प्रैक्टिस वायरिंग। उसके अलावा कंट्रोल पैनल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके टाइप्स स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, सर्किट ब्रेकर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो हाउस वायरिंग होती है उसके लेआउट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये देखिए क्या लिखा है, कंपेयर हाउस वायरिंग लेआउट्स, स्प्लिटिंग लोड वायर इन अकॉर्डिंग एन ई आई ट्रिपल ई रूल्स। कहने का मतलब है आपका जो प्रैक्टिकली हम लेआउट्स बनाते हैं उस पर आपकी तो आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा फाइनल सेमेस्टर में आपको ये वाला टॉपिक्स रहते हैं जो कि आपको पढ़ने हैं,
मशीन कंट्रोल पैनल के बारे में आपको पढ़ना है। ये देखिए डोमेस्टिक एप्लीकेशन में क्या क्या आपको पता होना चाहिए वो देखिए, बेल, बजर, अलार्म, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, लाइट, इलेक्ट्रिक केटल, हीटर, एमर्जन हीटर, हॉट प्लेट, ओवन, गीजर, कूलिंग रेंज, मिक्सर। कहने का मतलब आपके जो डोमेस्टिक जो घर में आप यूज करते हैं उन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर पावर जनरेशन, हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, किस किस वे में, हम जैसे हम थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल टाइप कौन कौन से होते हैं, वो सब चीजें हमको यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, सोलर एनर्जी पढ़ते हैं, विंड एनर्जी पढ़ते हैं, बायोगैस, बायोमास, टाइडियल वेव्स पढ़ते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए ट्रांसमिशन ऑफ आप अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है तो आप उसे ट्रांसमिट किस वे में करेंगे, वो चीजें आपको यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये देखिए एक बेटा सेकंड, ये देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अभी पावर जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी उसकी मेथड्स पढ़नी है। उसके बाद देखिए ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, आप कैसे इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करेंगे, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखिए अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दैट मींस आपको जीटीडी का पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे क्या करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। उसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ट्रांजिस्टर थायरिस्टर, सॉरी ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पावर ट्रांजिस्टर्स पढ़ने हैं, इसमें SCR डायक ट्राइक भी आते हैं, और आपको DC ड्राइव्स की एप्लीकेशंस पढ़नी होती है, उनके कंस्ट्रक्शन वर्किंग पैरामीटर्स यहाँ पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखिएगा स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर बाय यूजिंग, इस मेथड से आप इंडक्शन मोटर कैसे कंट्रोल करेंगे, वो चीजें आपको यहाँ देखनी है। मतलब आपको कुल मिलाकर DC ड्राइव और AC ड्राइव यहाँ पढ़नी है। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट दिया है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आप कैसे कैसे मेंटेनेंस करते हैं वो चीजें यहाँ आपको पढ़नी है, जिसमें हम कुछ टेस्ट यूज करते हैं AC DC मशीन्स के लिए, ब्रेकडाउन टेस्ट, रूटीन टेस्ट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइज हम कैसे करते हैं, UPS और उसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं हम उसको कैसे यूज करते हैं, वो चीजें हमको यहाँ पढ़नी है। तो ओवरऑल आपको मोटे मोटे तौर पर हम बताएं तो आपको देखिए यहाँ भी आपको वही चीजें देखने को मिलेगी। एक बार हम आपको छोटा छोटा बता देते हैं, ये देखिए DC मशीन्स, ठीक है, अल्टरनेटर्स, यहाँ इन्होंने सिर्फ एक टॉपिक टॉपिक दे रखे हैं जिसको हमने आपको क्लासिफाई करके बताया हुआ है, बाकी ये सारी चीजें आपको बहुत, ये देखिए मोटर स्टार्टर, DC मशीन्स, उसके अलावा आपको इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस पढ़ना होगा, कुल मिलाकर आपको ये देखिए मेजरमेंट, आपको एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने होंगे, ठीक है। ये देखिए इल्यूमिनेशन आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा हम बताते हैं आपको वेरीफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। अब यहाँ इन्होंने बस ऐसी ऐसे छोटा छोटा टॉपिक लिख दिया है, अब यहाँ आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा पढ़ना होगा, मैग्नेटिक सर्किट पूरा पढ़ना होगा। उसके अलावा देखिए प्रिपेयर इलेक्ट्रिकल वायर जॉइंट्स, अब यहाँ जॉइंट्स में आपको पूरी वायरिंग पता होनी चाहिए, अंडरग्राउंड केबल्स का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ बेसिक BEE आपको पूरा पता होना चाहिए, दैट मीन्स हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपको मशीन्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए, जिसमें हम AC मशीन, DC मशीन दोनों की बात करेंगे, ओके। उसके बाद मेजरमेंट आपको आना चाहिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम जहाँ पढ़ते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ओके। इसके अलावा आपको UEE का नॉलेज होना चाहिए, UEE में हम क्या पढ़ते हैं, इल्यूमिनेशन पढ़ते हैं, सोडियम वेपर लैम्प, मरकरी वेपर लैम्प, हम सारे लैम्प के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, बेटा सेकंड, ओके। तो कुल मिलाकर हम आपको बताएं तो आपको 8 से 10 सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली 8 सब्जेक्ट्स आपको पता होना चाहिए, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम,
यूटिलाइजेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और जीटीडी हमारा जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन जो कि हमारा पावर सिस्टम का ही पार्ट होता है, वो सब चीजें आपको यहाँ देखनी है। इसके अलावा आपको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसमें कुछ आपको वायरिंग, अर्थिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, कहने का मतलब है कि आपको, आप एक ट्रेनिंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपको थ्योरी के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स का आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे वायरिंग, समझ रहे हैं आप आपको, जैसे वायरिंग, अर्थिंग, आपको लेआउट देख के आपको पूछ सकते हैं कि ये कौन सी वायरिंग का लेआउट है। आपको इंडस्ट्रियल वायरिंग, हाउस वायरिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपको सिंबल्स का नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा आपको पूरा बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा ऑफिशियली सिलेबस था, देख लीजिए इसको आप, जिसमें आपको 30 मतलब पूरे ओवरऑल 30 टॉपिक्स दिए हैं, जिसको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स ए टू जेड पढ़ने होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। लेकिन यहाँ हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना होता है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम मिनेशंस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को एनालिसिस किया, तो आपको बहुत बेसिक बेसिक टर्म्स यहाँ पूछे जाते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये सिलेबस एनालिसिस आपको समझ आया होगा, जिसमें आप जब जैसे ही आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक में, तो आपको सबसे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा, जिसमें हम सबसे पहले चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज, करंट, पोटेंशियल, वोल्टेज, ओम्स लॉ, उसके अलावा रजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, ये सब हम पढ़ेंगे, देन हम मशीन से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो ये एक बहुत छोटा सा एनालिसिस था एग्जाम ने आपका एग्जाम सिलेबस को लेकर, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एग्जामिनेशंस तक आपका पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करके, अपना रिवाइज करके, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, आप बहुत अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस को क्रैक कर पाएंगे। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।